हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे चैनल पे। मैं पूनम सिंह आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत बढ़िया रेसिपी। वो है गांव में किस तरीके से चिप्स बनाए जाते हैं आलू के। सबसे पहले इन्होंने चूल्हे पर रख दिया है पानी को गर्म होना, हल्के से गर्म करेंगे और बहुत बढ़िया क्वालिटी के आलू इन्होंने चूज किए हैं। बड़े बड़े आलू हैं ये, तो एकदम फ्रेश आलू लिए हैं। आप देख सकते हो क्वालिटी भी इस तरीके के बड़े साइज के। आपको आलू को चूज करना है और उसको हल्के से गुनगुने पानी में इन्होंने डिप कर दिया। और डिप करने के बाद इसको अच्छे से पील ऑफ करेंगे, पीलर की हेल्प से इसको पील करेंगे। इसके ऊपर का पूरा छिलका हटा देंगे, अच्छे से साफ हो जाएंगे आलू। जितने भी आलू के चिप्स आपको बनाने हैं वो सारे के सारे आप इस तरीके से आप पानी में इसको डिप करके रख देते, जिससे इसका जो कलर है वो काला ना पड़े। ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि इंस्टेंट आप बना सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है आलू के चिप्स बनाने में। बस उसको पील ऑफ कीजिए और पानी में डिप कर दीजिए। आई एम श्योर इस चीज़ की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। और अब हमने एक ली है मशीन, जो एक एडजस्टेबल मशीन है। जिस साइज का आपको आलू का चिप्स बनाना है, जितने मोटा अब आलू का चिप्स बनाना है वो आप उसको एडजस्ट कर दीजिए पेंच की हेल्प से। इस तरीके का आपको साइज लेना है, आधा इंच से थोड़ा सा कम। आप ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है पोटैटो स्लाइसर के नाम से, तो आप आराम से खरीद सकते हैं मार्केट में। और इसके ऊपर एक आलू को अटैच करने के लिए ये प्लग भी दिया हुआ है। इसमें आप आलू को लगाकर और उसके चिप्स बना सकते हैं बहुत आसानी से। हमने आलू को इसमें पूरा अच्छे से फंसा लिया है और आलू के चिप्स नीचे पानी के अंदर ये हो जाएंगे। आप देख सकते हो बहुत जबरदस्त मशीन है ये। आप इससे खीरा, टमाटर, गाजर कुछ भी काट सकते हैं। हमने थोड़ा सा लिया गुनगुना पानी और उसमें डाला है 2 चम्मच नमक और बस ऊपर से स्लाइसर यूज करके हम आलू के जो चिप्स हैं वो बना लेंगे। बहुत आसानी से बन जाते हैं। इस तरीके से आप अपने आलू के चिप्स को रेडी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर करें वीडियो को और इस रेसिपी का फीडबैक मुझे जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ये देखिए कितने सुंदर निकल के आए हैं हमारे चिप्स। और बस इनको निकाल कर अब आप एक कपड़े पर सुखा दीजिए कम से कम 15 से 20 मिनट। इसको निकाल लेते हैं और एक कपड़ा सूती कपड़ा हम उठा लेंगे और उसके ऊपर हम इसको एक एक करके परते हटा कर उठा लेंगे। ज्यादा करो तो आप आधा घंटे से ज्यादा इसको धूप ना लगाएं और बस आप फ्राई कर सकते हैं। हमारे चिप्स बनकर रेडी। बहुत जबरदस्त बनकर आप देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छे बनेंगे। बस अलग अलग करके आप हवा लगा लीजिए, सूख जाएंगे हल्के से। जैसे इसका पानी हट जाए आप इसको फ्राई कर लीजिए। ऐसे ही बाकी जितनी भी आलू है आप स्लाइसर के हेल्प से आप चिप्स बना लें और सुखा लें और उसको फ्राई कर सकते हैं।
सारे के सारे मैंने बना कर तैयार किए थे, वो सब खाने लगे। आधा घंटे की भूख लगी थी। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। Yeah.